गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले हिंदी 2 के वीडियो में हमने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का आधा भाग पढ़ा था। इस रचना को लिखने वाले लेखक हरिशंकर पारसाई जी हैं। हमने देखा था कि प्रेमचंद जी एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जिस रूप में वास्तविक जीवन में थे, वैसे ही वो दूसरों के सामने नजर आते थे। जैसे कि वो अपनी फोटो खिंचाने जब बैठे तो वहां पर उन्होंने फटे हुए जूते पहने हुए थे, और यही सोचकर लेखक परेशान थे कि क्या कोई व्यक्ति फोटो में भी इस तरीके से सबके सामने आ सकता है। यही सब उनके मन में उथल पुथल मची हुई है। देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो इस तरह नहीं खींचाऊं, फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक कहते हैं कि ये कभी भी, मतलब ये अपनी आर्थिक स्थिति हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो दूसरे लोगों के सामने इस तरह नहीं आने दे सकते। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं तो कभी भी ऐसे जूते पहन नहीं सकता, और फोटो तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खिंचा सकता, चाहे उनकी जीवनी ही छापी जा रही हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? उस फोटो में जो प्रेमचंद जी की मुस्कान है, वो लेखक को एक व्यंग मुस्कान जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि वो उनके ऊपर ही तंज कस रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये मुस्कान जो है तुम्हारी, वो तो मेरे हौसले ही पस्त कर देती है, हरा देती है मेरे हौसले को, मेरे हिम्मत को। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? पूछते हैं। क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। बच्चों, यहाँ जो ये लाइंस दी गई हैं, पंक्तियाँ दी गई हैं, ये प्रेमचंद जी की रचनाओं से ली गई हैं। मतलब रचनाओं से उनके बारे में लेखक ने बात किए हैं, उनकी रचनाओं के विषय में ही लेखक ने बात की है। जैसे आपको बताते हैं, होरी का गोदान हो गया। गोदान नामक जो इनकी रचना है प्रेमचंद जी की, उसमें एक किसान जिसका नाम होरी है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका जो पूरा जीवन है, उसके बारे में दिखाया गया है, जो कि जीवन भर अपनी आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहता है, और अंत में उसके हाथों से उसकी मृत्यु के समय गोदान करवाया जाता है। उसी प्रकार से पूस की रात भी उनकी कहानी है, जिसमें हल्कू भी जो है वो किसान है, और इतनी ठंड जो होती है उसको वो सह नहीं पाता, और आग जलाकर रात में जब अपने फसल की रखवाली कर रहा था, उस समय नील गाय जब आती हैं उनके खेतों को चरने लगती है, उसे आवाज भी आती है, लेकिन यही सोचकर कि अगर उसकी यह फसल रहेगी तो उसे हर रोज इसी तरह ठंड में रखवाली करने पड़ेगी अपने फसल की, और वह करना उसके लिए बहुत ही दुष्कर कार्य था। बिना कंबल के सर्दी से अपने आप को बचाना बहुत ही ज़्यादा असह्य था उसके लिए। अंत में वो हिम्मत नहीं कर पाता है और बैठा रह जाता है, और उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। इस तरीके से सुजान भगत का लड़का मर गया, ये भी उनकी एक रचना है। और फिर कफन भी एक छोटी सी कहानी है, जिसमें माधो नामक जो व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसकी मृत्यु के बाद वे उसके कफन के लिए लोगों से चंदा मांगते हैं, और माधो और उसका पिता जाके उस चंदे की शराब पी जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी कहानियाँ थी जिसके बारे में लेखक ने बोला। इनकी रचनाएँ बहुत ही अच्छी हैं, आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो वही बोलते हैं, नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो इस तरीके से जो एक नीचे तबका था या फिर किसान लोग की आर्थिक स्थिति थी उस समय की, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में।
हर एक छोटी से छोटी परेशानियों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उभारा है। अगर आप एकाध रचना लेके इनके पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था और उसे बड़ा पछतावा हुआ था। वो देखो यहाँ पे प्रेमचंद जी को जनता के लेखक की उपाधि देते हैं। फिर पूछते हैं कि अच्छा आखिर बताओ ये तुम्हारा जूता फटा कैसे, क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए, जहाँ से हम लोग किराना सामान वगैरह लेते हैं, क्या बनिए के पैसे बचे हुए थे जो तगादा कर लेता तुमसे, जो बार बार तुम उसे बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते होगे। अंदाजा लगा रहे हैं लेखक, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं। फिर बोलते कि नहीं चक्कर लगाने से जूता फटेगा नहीं, वो घिसता है, अगर ज्यादा व्यक्ति चलता है तो वो घिसता है, फट कैसे गया। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिसा था और उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा आवत जात पन्हैया घिस गई बिसर गए वो हरे नाम। वो हरिदर्शन के लिए जा रहा था फतेहपुर सीकरी और आने जाने में उसकी जो थी वो जूता जो था वो घिस गया था और इसी दुख में उसे हरि का नाम भी भूल गया, मतलब वो अपने ईश्वर को भी भूल गया इस दुख में। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कर वो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं। अच्छा बच्चों, पिछले पंक्तियों में हमने कुंभन दास जी के बारे में जाना, इनको इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कुंभन दास जो थे भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। भक्ति काल अगर आप इतिहास पढ़ेंगे बेटा काव्य का तो उसमें एक भक्ति काल का भी समय आया था, उस समय भक्ति से संबंधित कविताएं जो थी वो या काव्य जो थे वो ज्यादा लिखे जाते थे। तो वो भी भक्ति काल जो था कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में बट गया था। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे कुंभन दास, वो कृष्ण भक्ति से संबंधित कविताएं लिखा करते थे। अब होता क्या है कि बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने सीकरी जाया करते थे। वो हमेशा बादशाह अकबर उनको बुलाते और वो बार बार उनसे मिलने के लिए सीकरी जाया करते थे फतेहपुर सीकरी। और इस कारण जो था उनका जूता जो था वो घिस गया था। जूता घिस जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ यह होता है कि बार बार राज दरबार में आना जाना लगा रहता, परिणाम स्वरूप वे क्या होता है वे भगवान का नाम लेना ही भूल गए, इसलिए उन्हें बहुत पछतावा हुआ। दूसरा, आगे पंक्तियों में टीला भी आया है, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है ना, ये क्या है टीला, क्या है टीला, जो है सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक है। कैसे, टीला समाज में व्याप्त रूढ़ियों की ओर संकेत करता है। कुछ लोग क्या करते हैं इन रूढ़ियों से समझौता कर लेते हैं या इनसे बचकर निकल जाते हैं। ये रूढ़ियां विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं जो मनुष्य को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। साहित्य में भी इन बुराइयों और शोषित समाज की समस्याओं को उठाया जा सकता है तभी ये नष्ट हो सकती हैं। रूढ़ियां पुरानी विचारधारा आप कह सकते हैं, पुराने नियम कानून है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको पूरा करने में लगे रहते हैं चाहे उसके लिए लोगों को कष्ट तक उठाने पड़े, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे बचकर निकलना भी चाहते हैं। तो यही था, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहो, कोई चीज परत पर परत सदियों से जम गई है, रूढ़ियों को बोला जा रहा है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, मतलब वो उससे लड़ते रहे उन रूढ़ियों से, उसको बदलने का प्रयास करते रहे, इसलिए इनका जूता जो था वो फट गया था। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया था, मतलब तुमने उससे संघर्ष किया और इसलिए तुम्हारा जूता जो है वो फटा।
तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे जैसे बाकी लोग निकलते हैं। लेकिन टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फुड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? ये जो होरी था जो गोदान में था किसान, मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया था, वो बहुत ही नेम धर्म को मानने वाला था। कितनी भी उसकी मजबूरी हो लेकिन वह गलत काम कभी नहीं करता था, अपने नियम कानून को मानने की पूरी कोशिश करता था। अगर चाहे फिर अगर उसने किसी को जबान दे दी थी तो उस समय पर वो उसका पैसा लौटाने के लिए भी तैयार रहता था। उसकी परेशानी थी कि वो खेती करने के लिए जमींदारों से कर्ज लेता था जिसे उसे ब्याज सहित वापस भी करना पड़ता था, और इस तरह से उन्हें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। जमींदारी प्रथा आप समझ ही सकते हैं। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। मतलब ये मजबूरी में अपने नेम धर्म को नहीं निभाते थे, ये अपनी मर्जी से अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। इसलिए नेम धर्म को मानना इनका बंधन नहीं था बल्कि मुक्ति थी, वो उसे बहुत ही मन से मानते थे। तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ बताना चाहती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, तुच्छ समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब जिन्हें वो पसंद ना करते हो, जो अपने सिद्धांतों में ना चले, गलत राह को चुन ले, ऐसे लोगों की तरफ वो अपनी हाथों की उंगली से नहीं इशारा करना चाहते थे बल्कि अपनी पैर की उंगली दिखाते थे। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्या तुम ऐसे लोगों या रूढ़ियों के प्रति तुम दिखा रहे हो इशारा कर रहे हो? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अपनी उंगली छिपाते और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो दिखावा पसंद करते हैं, अपनी असलियत को दूसरों के सामने, अपनी वास्तविकता को दूसरे के सामने नहीं आने देते, चाहे इसके लिए उन्हें अपना आत्म स्वाभिमान गौरव मतलब कुछ भी छिपाना पड़ जाए या उसे ताक पर रखना पड़ जाए। उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, मतलब उसको जो मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, रूढ़ियां हैं, उसको हटाने का प्रयास नहीं करते हैं बल्कि उससे हटकर बाजू से निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। मतलब लेखक का उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की, वो जिस चीज़ को गलत मानते थे उससे उन्होंने लड़ाई की, उससे संघर्ष किया और उससे आगे निकले। लेकिन जो बाकी सब थे, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, मतलब अपनी आत्मा अपने सिद्धांतों का नाश हो गया। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो बच्चों, ये था आपका पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। साथ में आपको इसके कुछ प्रश्नोत्तर बाकी हैं, वो भी आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।